फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज का ये वीडियो होने वाला है इंटरनेट कुकीज़ के बारे में। समझने वाले हैं कि कुकीज़ काम कैसे करते हैं, होते क्या हैं और उनका यूज़ क्या है, इंटरनेट कुकीज़ का आखिर पर्पज़ क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है इंटरनेट कुकीज़ का। तो देखते रहिए इस वीडियो को आगे, छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा इंटरनेट कुकीज़ के बारे में। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूँ कुकीज़ क्या होता है, तो कुकीज़ बहुत ही आसान है। कुकीज़ होते हैं बिस्किट जो कि आप खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं खाने वाले कुकीज़ की नहीं बल्कि इंटरनेट कुकीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इंटरनेट कुकीज़ की जो किताबी डेफिनेशन है जो कि आप इंटरनेट से कभी भी पढ़ सकते हैं, इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाऊंगा कि कुकीज़ का पर्पस क्या होता है। क्योंकि जब किसी चीज़ का पर्पस समझ में आता है कि वो क्यों हो रही है, तो वो चीज़ भी समझ में आ जाती है कि वो चीज़ क्या है। एक लाइव एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको एक मेडिसिन चाहिए, लेट्स से डिस्प्रिन चाहिए, और आप मेडिकल स्टोर में उसको ख़रीदने गए। आपने दुकानदार से बोला कि भाई हमको डिस्प्रिन दे दे। अब वो दुकान नहीं खुली है, वो जो दुकान वाला नया नया उसने दुकान खोली है, उसको मालूम नहीं क्या सामान कहाँ रखा है। तो वो क्या गया, सब कुछ अल्फ़ाबेटिकली रखा होता है मेडिकल स्टोर में, तो वो गया कि जहाँ पे डी से शुरू होने वाली सारी दवाइयाँ रखी हैं उस शेल्फ़ में गया, वहाँ से वो पढ़कर डिस्प्रिन आपको निकाल के लेके आया और आपको दे दी। उसने कुछ वक्त लगाया, वो शेल्फ तक गया, उसने देखा कि डी से शुरू होने वाली दवाइयाँ कहाँ हैं, फिर वहाँ से डिस्प्रिन निकाली, फिर आपको लेके दे दी। तो इसमें कुछ वक्त लगा। अब थोड़ी देर बाद उसके पास एक और कस्टमर आया, उसको भी डिस्प्रिन चाहिए थी, उसके भी सर में दर्द था। तो इस बार दुकानदार को मालूम है कि भाई डिस्प्रिन कहाँ रखी हुई है, वो फटाफट गया और लेकर आ गया। इस बार पहले से थोड़ा कम टाइम लगा, क्यों, क्योंकि एक मेमोरी बन गई थी दुकानदार के पास कि हाँ भाई मुझको मालूम है डिस्प्रिन कहाँ रखी है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक तीसरा कस्टमर भी आया, उसको भी डिस्प्रिन चाहिए। तो अब की बार दुकानदार ने सोचा कि भाई लोगों को बहुत सर दर्द हो रहा है, लोगों को ये दवाई बहुत चाहिए, ये दवाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसने क्या करा कि उस शेल्फ में जाके वहाँ से कुछ पत्ते उठा के अपनी जहाँ पे काउंटर में वो बैठा है वहीं पर पास में ड्रॉर में रख लिए। तो अब जब भी कोई कस्टमर डिस्प्रिन मांगने आता है तो उसको उठने की ज़रूरत नहीं है, उस शेल्फ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फटाफट जहाँ पर बैठा है वहीं से ड्रॉर खोलता है और कस्टमर को दे देता है। यहाँ पर उसका भी टाइम बच रहा है, उसके लिए लाइफ आसान हो गई, और जो कस्टमर लेने आया है उसका भी टाइम बच रहा है, उसको भी दवाई फटाफट मिल रही है। तो ये जो आपने देखा कि ये चीज़ को जल्दी करने की जो 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 एक मेमोरी एक 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 फैसिलिटेशन बनाया गया, इसको ही आप कुकीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। तो कुकीज़ का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। आज की डेट में कुकीज़ का कुछ एडवांस यूज़ भी होता है, बहुत सारे दूसरे भी यूज़ हैं जिसकी वजह से कुकी का यूज़ होता है, लेकिन जो मेन वजह है जिसकी वजह से कुकीज़ इंटरनेट कुकीज़ शुरू हुए थे वो यही है कि जब भी आप किसी डिवाइस को यूज़ करके, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, जब भी आप उसको डिवाइस को यूज़ करके किसी वेबसाइट पर जाएँ, तो वो वेबसाइट कुकीज़ फॉर्म करती है उस पर्टिकुलर लोकल डिवाइस पे, लोकल क्लाइंट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। जब वो कुकीज़ किसी लोकल डिवाइस पे स्टोर हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब उस डिवाइस से उस सेम वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट टाइम इस बार वेबसाइट ज़्यादा जल्दी खुलेगी। तो अब मैं आता हूँ इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे। कुकीज़ आर नथिंग मोर देन अ टेक्स्ट फाइल दैट गेट्स क्रिएटेड एवरी टाइम व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट। ठीक है, सो सिंपल भाषा में, जब भी आप किसी, मान लो कि आप किसी वेबसाइट पर गए, फ्लिपकार्ट पर गए, आपने पहली बार फ्लिपकार्ट खोली है, नया मोबाइल लिया, पहली बार उस पर फ्लिपकार्ट खोली, फ्लिपकार्ट क्या करेगी, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देगी आपके फ़ोन के कैशे में, जहाँ पर वो कुकी स्टोर हो जाएगी, टेक्स्ट फाइल के रूप में कुकी स्टोर हो जाएगी, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, जैसे कि आपका यूज़र आईडी, आपका सेशन आईडी। कई वेबसाइट सिर्फ यूज़र आईडी स्टोर करती हैं, इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन छोड़नी है। जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन कुकीज़ के रूप में छोड़ती हैं डिवाइसेस पे, जिससे कि वो और भी दूसरे चीज़ों में कुकीज़ का यूज़ कर सकें, ना कि सिर्फ जल्दी खोलने में, बल्कि आपको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देने में। आपने देखा होगा कि आप जब अमेज़ॉन पर जाते हैं, वहाँ पर जूते देख रहे हैं नाइकी के, जब आप दो दिन बाद वापस नाइकी के उस अमेज़ॉन की वेबसाइट पर आते हैं, तो आपको नाइकी के जूते दिखा रहा होता है। अपने दोस्त के मोबाइल से अगर आप अमेज़ॉन खोलेंगे तो उसको कुछ और दिखाएगा। तो आपके बंदे के हिसाब से, यूज़र के हिसाब से एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस वो आपको दे देता है। आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री के हिसाब से कि लास्ट टाइम आपने क्या देखा था वो आपको दे देता है। आपने अगर कार्ट में कुछ डाला है लेकिन उसको ख़रीदा नहीं है, ठीक है, वेबसाइट बंद कर दी,
आपको हो सकता है ईमेल आ जाए कि भैया ये आपने कार्ट में ख़रीदा लेकिन आपने कार्ट में डाला लेकिन ख़रीदा नहीं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कुकीज़ के ज़रिए हो रहा है, सेशन आईडीज़ के ज़रिए हो रहा है, क्योंकि जब आपने कोई वेबसाइट विज़िट करी तो उसने कुकीज़ के रूप में अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपसे रिलेटेड है, जैसे कि आपका यूज़र आईडी, आपका सेशन आईडी जब आप उस पर गए थे, आपका विजिटर आईडी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ के रूप में आपके डिवाइस में, जो जिस भी डिवाइस से आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसमें स्टोर होती है। और जब भी आप रिपीट विज़िट करते हो उस वेबसाइट पर, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ए आपके डिवाइस पे उस वेबसाइट को जल्दी खोला जाता है, जल्दी से वो ओपन हो जाती है। दूसरा, जो भी आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देना होता है, चाहे वो जल्दी से लॉगिन करना हो, चाहे वो अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट, तो आप कुछ कुछ रेलेवेंट आप जो आपके आपसे मैच करता हो, जो आपको पसंद हो, ऐसा कॉन्टेंट दिखाना हो, इन बहुत सारी चीज़ों के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए भी, इन बहुत सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट कुकीज़ का यूज़ होता है। तो ये था छोटा सा वीडियो इंटरनेट कुकीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की जानकारी वाले वीडियोस बनाता रहता हूँ। मुलाकात होगी अब आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।